वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और क्योंकि मैं अपने ओपन थॉट्स जो आपके भी मन में हैं लेकिन आप बोलने से झिझकते हो, बहुत लोग बोलते हैं ओपनली, बहुत लोग ये सोच के झिझकते हैं कि मेरे बगल वाला मुझसे बुरा मान जाएगा। आप सबका एक स्टैंड होता है, सबका अपना अपना स्टैंड है, जब वो अपना स्टैंड लेने से नहीं पीछे हटते तो हम लोगों को पीछे रहने की क्या ज़रूरत है। अपने ही देश में अगर आदमी डर के रहेगा तो दूसरे तो डराएंगे। आज की न्यूज़ ये है, बहुत 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 बड़ी बात है एक तरीके से, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि पावर में आके हम धारा 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, तो उससे पहले अब मैं क्या बोलूँ। अगर कोई इस बात में भी कहता है कि ये पॉलिटिकल गेम है कि इलेक्शन से जस्ट पहले कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित अपनी पुरानी दुकान खोल लेता है, और 74 साल का है वो आदमी, और अपनी पुरानी दुकान खोल लेता है और वो और कश्मीरी पंडितों को वहाँ लाने की कोशिश करेगा, उसने ऐसा कहा है, और धीरे धीरे तादाद बढ़ेगी, वो वापस अपनी उस जगह पे जा पाएंगे जहाँ से उनको भगाया गया, उनको जो नहीं भाग पाए उनको मारा गया, उनकी बच्चियों का, उनके घर की औरतों का बलात्कार हुआ। तो अब धारा हटे ना हटे, देर लगे, लेकिन ये जो शुरुआत हुई है, धारा हटना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो एक मैसेज गया है कि हमारा कश्मीर था, है, रहेगा, कोई वहाँ पे अचानक से आ जाता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, और वहाँ के रहने वालों को जो आपके कुछ समय तक पड़ोसी थे, हाल चाल रोज का होता था, और आप अचानक से ऐसा क्या आपके मन में आ जाता है कि एक फतवा जारी करते हैं, लाउड स्पीकर पर मैसेज देते हैं, अनाउंस करते हैं कि सुबह तक चले जाओ, वो भी अपने घर की औरतों के बिना, वरना मार दिए जाओगे। तो वो चीज़ ओवरकम हुई है, फियर ख़त्म हुआ है, और धीरे धीरे लोग वहाँ जाना शुरू कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि आर्टिकल्स के हिसाब से ना आप वहाँ रह सकते हो, ना खरीद सकते हो, आपको वहाँ की नागरिकता चाहिए, तमाम चीज़ें। लेकिन अब जब शुरुआत हुई है तो शायद इसको हटाने में और आसानी होगी, और इस मैसेज से मतलब मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छा फील हुआ है, बेटर फील हुआ है, ऐसा लगा कि देश अब सही दिशा में जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है कि ये बदलाव इस 5 साल की टेन्योर की वजह से आया है, ये मुझे फील होता है, क्योंकि जो 30-40 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था उसके लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उल्टा कांग्रेस की ही वो देन है कि आज 370 और आर्टिकल 35 कश्मीर के अंदर लागू है। तो देखा जाए तो हम अपनी पुरानी धरोहर वापस ले रहे हैं धीरे धीरे, और इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि इस टेन्योर में जो बीजेपी करना चाहती थी और जो इस मैनिफेस्टो में डाला है, अब वो 110% है कि उसको करने में और आसानी होगी, और जल्दी से जल्दी वो 370 और 35 से हटाएगी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं हटाया, उनको मैं क्या बताऊँ, उनको आँख बंद करके बैठे हैं, ये बिल्कुल वही वाली बात हुई है कि सूरज से रोशनी जब आती है तो उल्लू कहता है कि सूरज रोशनी नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज रोशनी नहीं देता है, अब देखने वाला नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ ही नहीं हो रही है। सरकार कैसे कैसे काम कर रही थी, हुर्रियत वालों के साथ क्या किया, जो टेररिस्टों से जुड़े हुए थे उनकी फंडिंग्स रोकी, धीरे धीरे हर छोटी छोटी चीज़ पे अटैक किया। आप कहीं भी डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, आपको शिकार पे जाना होता है तो आप जाल बिछाते हो, धीरे धीरे उसके पास पहुंचते हो, फिर अटैक करते हो। ये लोग चाहते हैं कि अपोजिशन चाहता है, जो विरोधी हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, ये लोग एक मन बना के बैठे हैं कि अगर मोदी ने ये कहा है करने के लिए तो उसको डे वन पे वही कर देना चाहिए था, तभी वो मकसद, एक्चुअली अगर वो कर भी देते इन केस, उस पर भी इतनी उसको मतलब आलोचना करते, इतना घेरते कि इम्प्लीमेंटेशन गलत था, प्लानिंग नहीं थी, अब जैसे डिमोनेटाइजेशन अचानक से करा तो सबने घेरा, चीज़ सही थी, उसका असर दिखेगा, दिख रहा है,
किसी भी आम इंसान को दिक्कत नहीं हुई, जिसके पास एक्स्ट्रा था, जिसके पास ब्लैक का था, जिसके पास थोक में लाखों रुपए कैश पड़े थे, उसको दिक्कत हुई और होनी भी चाहिए थी। जायज़ तरीके से उसके पास नहीं होना चाहिए था वो पैसा। लेकिन अब जब कुछ नहीं बचता है तो आप कुछ तो कहते हैं। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर कश्मीरी पंडितों के लिए जाना जाता था, वाल्मीकियों के लिए जाना जाता था, जो कश्मीर अपनी उस खूबसूरती के लिए एक हेवन ऑन अर्थ कहा जाता था, वो आज हेल ऑन अर्थ बन के रह गया। तो उस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत थी, धीरे धीरे बदली है। आज कुछ लोग गए हैं, कुछ कश्मीरी पंडित, कल को और आएंगे, धाराएं हटेंगी और फिर से हमारा कश्मीर हमारा हो जाएगा। वो हमारा पहले भी था, बीच में कुछ लोगों की मनगढ़ंत सोच की वजह से कि हम ये सोचते हैं कि वो हमारा है तो वो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट बिकॉज आप जाते हो, कत्लेआम करते हो और आपको लग जाता है कि हमने यहाँ से इनको हटा दिया तो ये जगह ही हमारी होगी, ऐसा एक थॉट में भी आपको लगता है कि पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो बस इतना ही कहना था, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस बारे में कश्मीरी पंडितों को वापस जाना, उस बारे में अगर आप कुछ कहना हो कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट की कोई डायरेक्ट पॉलिसी थी जिसके तहत उन्होंने भेजा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार के किसी स्टेप की वजह से, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट का जो टेन्योर था, इसने मेंटालिटी बदली लोगों की, इसने लोगों के अंदर से डर ख़त्म किया, कॉन्फिडेंस जगाया, माहौल क्रिएट किया कि आज ये रिज़ल्ट मिल रहा है। तो बहुत 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 बड़ी बात है, और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा जब धाराएं हटाई जाएंगी, तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा ये चीज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।